आपने ऐसा होने कैसे दिया? वो आपकी जिम्मेदारी थी ना रानी साहिबा, तो आपने उसे जाने कैसे दिया? लेकिन ये हम नहीं सह पाएंगे। हम कहां से लाएंगे हमारी राजकुमारी? हमें वो चाहिए, हमें हमारी राजकुमारी चाहिए रानी साहिबा। आप हमें हमारी राजकुमारी लौटा दीजिए, बस हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ। अगर हम आपके साथ उस दिन होते तो ये कभी नहीं होने देते। सब हमारी गलती है। अरे हमें आपको अचानक छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। हम तो आपकी गोद भराई में शामिल होने आए थे रानी साहब, सोचा था आपसे मिलेंगे हमारी राजकुमारी। अगर हमें पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आप कभी आपको छोड़कर नहीं जाते रानी साहब। कुछ भी देख सकते लेकिन आपको इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकते रानी साहब। नहीं देख सकते हो। रानी साहब, हमें ये सोचते हुए भी डर लगता है कि हमारी राजकुमारी इस दुनिया में कभी नहीं आएंगी। तमाची संभाली, बिटिया को इस हाल में अगर हम तो उनके लिए पायल लेके आए थे, अब कभी वो पायल नहीं पहन पाएंगी रानी साहब। और वो अंजलि बिटिया, संभालो बिटिया, संभालो। लिटिया अरब अरब आजा बिटिया, संभालो। आइए देखिए तो क्या हो गया। नाती जी, हम डॉक्टर से मिल गया। हाँ, लेट
संभालिए अपने आप को रानी साहब। जरूरत है अर्नब जी, आप जाइए, हम आपके साथ हैं, हम दोनों मिलकर दी को संभालेंगे। शांत हो जाइए। साली साहब, हमें माफ कर दीजिए साली साहब। मैं माफ कर दीजिए साले साहब, हम सिर्फ इसलिए आए क्योंकि जब हमने ये सब सुना हम खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? ये दी के पास आने की हिम्मत कैसे की तुमने? आप शायद भूल रहे हैं साले साहब कि वो हमारी पत्नी है। वो बच्चा, हमारी राज, जब हमने वो सब सुना हम खुद को नहीं रोक पाए साले साहब। सिर्फ आपकी दी ने अपना बच्चा नहीं खोया साले साहब, हमने भी अपनी राजकुमारी को खोया। उनके बाप हैं हम। नहीं हो तुम, do you understand that? कुछ नहीं। अर्नब बस कीजिए, श्याम जी अंजलि बिटिया के पति है, वो उनका भी बच्चा था, उन्हें पूरा हक है यहाँ आने का, अपने पत्नी से मिलने का। इस आदमी का मेरी दी पर कोई हक नहीं है। आज दी की जो हालत है वो सिर्फ इनकी वजह से, और अगर ये एक मिनट भी ना होगा तो मैं तो क्या साले साहब, अब मारेंगे ना हमें, तो आइए मार दीजिए, खत्म कर दीजिए हमें। अरे जान तो वैसे ही निकल चुकी है हमारी, बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है आप जानते हैं? आप नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं साले साहब। और अब हम अपनी रानी साहिबा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी दी की जिंदगी में आना तो दूर, मैं तुम्हें उनके आस पास भी भटकने दूंगा। अब निकल जाओ यहां से।
वापस आने की हिम्मत मत करना। Don't you dare come back. नहीं साले साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्णव, अर्णव जी, अर्णव क्या, अर्णव जी, अर्णव मत मारिए दामाद।